हेलो लीब्रा, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 18th ऑफ अक्टूबर से लेके 24th ऑफ अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लीब्रा। Temperance, the Hanged Man, Justice, the Moon, and the Magician. Okay. So, Temperance के होने का मतलब है कि कोई shift आप महसूस कर रहे हैं अपने relationship में। आपको ऐसा feel हो सकता है जैसे कि यह पर्सन बदल रहा है या पूरी तरीके से बदल ही चुका है, एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि अब आप इस सिचुएशन से कैसे डील करें। ना हो सकता है कि यह पर्सन आपको कुछ प्रॉमिसेस दे चुका हो पास्ट में, और जब आप वही बात उनसे कहेंगे तो यह पर्सन ये कहेगा कि मैंने ऐसा कब कहा था या मैंने आपको ऐसा प्रॉमिस कब दिया था, या जब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था तो हालात अलग थे एंड अब हालात अलग है। आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी गलती है। आप चाहते थे चीज़ों को रोक सकते थे या अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते थे। सो घुमा फिरा के ब्लेम आप पे डालने की कोशिश करेंगे उन चीज़ों का जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ओके, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इतना डेस्परेट है कि कुछ और सोचेगा ही नहीं, और ये बात आपको बहुत अनॉय कर सकती है। द हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि विजडम यूज़ कीजिए और सोचिए गौर से कि क्या आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या यह पर्सन आपके काबिल भी है, क्योंकि इस पर्सन को अभी भी आप पूरी तरीके से नहीं जानते। इवन इफ अगर आपने इस रिलेशनशिप में कई साल बिताए हैं तो भी उनके ऐसे बहुत सारे साइड्स हैं, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो आपके सामने अब आ रहे हैं और आपको सरप्राइज कर रहे हैं। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने साथ जस्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका लव रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जिसके आप हकदार हैं, तो डेफिनेटली आपको इस वक्त अपने आप को चूज करना चाहिए। टैरो आपसे कह रहा है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, क्या आप इस तरीके के पर्सन पे डिपेंड करके अपने फ्यूचर को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या आप कभी भी इस रिलेशनशिप में रिलैक्स्ड और सिक्योर महसूस कर सकते हैं जो हुआ उसके बाद स्पेशली। एंड मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हो रहा है, इस पर्सन ने शायद पहले भी कई सारे रेड फ्लैग्स आपको शो किए हैं और आप यही सोच रहे थे कि कल को शायद ये बदल जाएंगे, आपके एफर्ट्स इन पे असर डालेंगे, ये नोटिस करेंगे आपका प्यार और डेफिनेटली खुद पे वर्क करेंगे। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बार बार ये रेड फ्लैग्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यूनिवर्स आपको कुछ शो करना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस पर्सन के डार्क साइड पे भी ध्यान दें। ओके, एंड चूंकि द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें वो अट्रैक्ट करने में सक्षम है। इनफैक्ट आप जो चाहते हैं वो ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो चीज़ें जो आप नहीं चाहते आपके लाइफ से बाहर जा रही हैं। नाउ सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आपको लगेगा कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए था और अगर ये पर्सन मुझे नहीं मिल सकता तो मेरी लाइफ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती, कभी मेरे सपने सच नहीं हो सकते और मुझे फिर दोबारा कभी प्यार नहीं हो सकता। इस तरह की फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपको लग रहा है आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, एंड आप सोच रहे हैं कि आपको जस्टिस कब मिलेगा। जस्टिस आपको तब मिलेगा जब आप अपने साथ जस्टिस करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ओके, टैरो आपसे कह रहा है कि आप अपने लाइफ के मास्टर हैं, स्पेशली द मैजिशियन और जस्टिस के साथ, एंड आप जो चीज़ें चाहते हैं अपने फ्यूचर में
वो ये पर्सन आपको ऑफर नहीं कर सकता, ये पर्सन वो परफेक्ट लवर नहीं है, एंड इसलिए यूनिवर्स ने इन्हें आपकी लाइफ से दूर कर दिया है या दूर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये द मून का कार्ड है, सो आपका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, समझिए कि वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल ही साबित होने वाली थी, और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है उस तरह की नेगेटिविटी से। द मून के साथ बहुत कुछ हिडन है और आप नहीं समझ पा रहे इस वक्त कि आप किस पर्सन से डील कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप इतने ज़्यादा अपसेट हैं। अगर आप ट्रुथ को देख पाए, अपने साथ जस्टिस करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं और आपको क्या मिल रहा था। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लीब्रा। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वांड्स। ओके, सो लीब्रा, लगता है जैसे आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यह अकेलापन आपको चुभ रहा है, यह अकेलापन आपको ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है उनके बिना। इनफैक्ट सिक्स ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ आप पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं। मिस तो यह पर्सन भी कर रहा है पुरानी बातों को, ऑब्वियसली यहाँ अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम जितना रिस्पॉन्सिबल इन्हें होना चाहिए, जितना सीरियस इन्हें होना चाहिए किसी रिलेशनशिप को लेके, वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ लगता है जैसे आपने काफ़ी इंतज़ार किया है इनको समझने के लिए और इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट पाने के लिए, बट फिर भी ये नहीं हो पाया। हालांकि नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड है तो हो सकता है ये पर्सन फिर से आपको अप्रोच करें, एक बार फिर से आपको अप्रोच करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, एंड ये आप पे होगा कि आप क्या चूज़ करते हैं अपने लिए, बिकॉज़ अभी भी ये सीरियस नहीं है। जो वर्क आप चाहते हैं ये करें, वो ये करने को तैयार नहीं। और टेन ऑफ कप्स के साथ ड्रीम ज़रूर देख रहे हैं एक परफेक्ट लाइफ का, बट जब सवाल ये उठता है कि ये परफेक्ट ड्रीम कम्प्लीट कैसे होगा, कौन बनाएगा इसे परफेक्ट, तो उनके दिमाग में बस आप ही का आइडिया आता है। अपनी तरफ से उन्हें क्या करना है इस पे उनका ज़्यादा फोकस नहीं है। ऑल्सो आप किसी बहुत ही मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं जो समझता नहीं रिलेशनशिप के बैलेंस को, आई थिंक ये एक प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। ओके, हालांकि ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या एक्सेप्ट करना चाहते हैं और क्या नहीं, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको कॉशियस रहना चाहिए किसी भी चीज़ को इमिडिएटली एक्सेप्ट करने से पहले। आपको उसके बारे में सोचना चाहिए, आपको चीज़ों को समझना चाहिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है। लॉर्ड गणेश, Infinite abundance. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी रास्ते की बाधाएं हट रही हैं, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, तो डेफिनेटली आपका कनेक्शन खुद से भी और गहरा होगा, आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत कुछ बता रहा है, सो उस पर फोकस कीजिए। ओके, सो आप जो भी चाहते हैं आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, एंड देन ये आप पे होगा कि आप क्या चूज़ करते हैं, किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, और यही आपकी पावर है। द मैजिशियन इसी के बारे में बात कर रहा है कि आप जैसे चाहें वैसे अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। सो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.